अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम दोस्तों भाइयों बहनों व्यूअर्स, सबको मेरा सलाम हो गया। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। और आज का मज़ेदार ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन लाजमी दबाया करें ताकि हर आने वाले न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और कल मैंने जो वीडियो अपलोड की थी, मैंने आप लोगों का कहा था शायद भाई कल ईद हो जाए, तो वही हुआ। जब मैंने वीडियो अपलोड की 10-15 मिनट बाद अखबार और जियो न्यूज़ एयर वाई वालों ने बताया कि कल ईद है और आज माशाल्लाह ईद उल फितर है, और इसलिए अब तैयार श्यार हो गए, नहा के अब जा रहे हैं ईद की नमाज़ पढ़ने। तो आप सब लोगों को मेरी तरफ से ईद मुबारक, बहुत बहुत ईद मुबारक। एडवांस तो मैंने दे दी थी आपको ईद मुबारक, तो फिर भी मैंने आपको आज कहा चले ईद मुबारक आपको कह दें। और फिलहाल अभी मैं नमाज़ पर जा रहा हूँ ईद की नमाज़ पढ़ने। इंशाल्लाह जैसे ही वापस आएंगे फिर ब्लॉग को स्टार्ट करेंगे, जारी रखेंगे, और जो सीन होगा जो एक्टिविटीज़ आज होंगी इंशाल्लाह आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। और इससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन लाजमी दबा लीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं थोड़ी देर तक। एक तो मीठा बहुत है ना आपके भाई, मक्खियाँ बैठी हैं मुँह पर ये देखें। तो चलो इसी के साथ अभी मैं वीडियो को कट करता हूँ, इंशाल्लाह मिलते हैं नमाज ईद की पढ़ने के बाद आते हैं और फिर आपसे बात करते हैं। अच्छा वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो ईद की नमाज़ पढ़ ली है, ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं एक फ्रेंड के पास आया हूँ, लेकिन ताला लगा हुआ है। पहले एक ताला लगा हुआ था, फिर अब मैं आपको दिखाता हूँ एक और चक्कर कि मैंने क्या किया है। वो असल में थोड़ा लेट होगा ना, तो आप देख रहे होंगे यहाँ फ्रेंड के पास मैं अक्सर आता हूँ। ये ताला पहले लगा हुआ था लेकिन आपके भाई ने गुस्से में, आपको पता है पर्सनैलिटी है, ये नीचे आप देख रहे होंगे दूसरा ताला ये मैंने खुद लगा दिया है ताकि वो भी आए तो उनको भी थोड़ी परेशानी तो होना। ठीक आइडिया, मस्त प्लानिंग जी व्यूअर्स। तो अभी मैं जा रहा हूँ घर, अब घर जाके ईदी शीदी लेते हैं ना यार, थोड़ी बहुत भाई भाभीयों से ईदी वगैरह लेते हैं, उसके बाद जैसे टाइम भी लगे इंशाल्लाह वापसी आएंगे फ्रेंड के पास, तो फिर गपशप करेंगे यहाँ मजीद जो होगा। वैसे ईदी लेना तो नहीं बनता हमारा, लेकिन फिर भी चलो ईदी लेंगे, क्यों सही आइडिया ना नहीं। अच्छा फ्रेंड्स, तो अब हो चुकी है तकरीबन शाम का टाइम हो रहा है, अब मैं तकरीबन घंटा डेढ़, हाँ डेढ़ घंटा मैं सोया भी हूँ। सोया तो नहीं, लैपटॉप पे थोड़ा वर्किंग करता रहा तो थोड़ी सी आँख लग भी गई, 10-15 मिनट सो भी गया। फिर उसके बाद मैंने फ्रेंड को कॉल की है, उसने कहा कि वो आ रहा है 15-20 मिनट तक, क्योंकि सुबह का वो मुझे मिला नहीं है। तो अब मैं वहीं जाने की तैयारी कर रहा था, तो अब चलते हैं। बस मैं उठा हूँ, मेरा वर्किंग जो थी लैपटॉप पे जो मैंने काम करना था वो मैंने कंप्लीट कर लिया है, वो हो गया है। अब बस फ्रेश होके वहाँ चलते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो रूटीन होगी, जो आगे की एक्टिविटीज़ होगी आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि आप फैमिली मेम्बर्स हैं, आपको भी पता होना चाहिए ना कि आपके भाई की क्या रूटीन है, डेली लाइफ क्या रूटीन है। हर किसी की अपनी एक मसरूफियत होती है, तो आपको दिखाएंगे आगे आज क्या सीन बनता है, क्या प्रोग्राम बनता है। तो फिलहाल अभी आप देख रहे होंगे कि मुझसे अभी सही बोला नहीं जा रहा, क्यों, क्योंकि यकीन करें अभी आपको लग भी रहा होगा कि मैं इस टाइम फुल नींद में हूँ। अभी 2 मिनट पहले मैंने उठा हूँ, वो भी उसकी कॉल आई थी मेरे फ्रेंड की, क्योंकि मैंने उसे सुबह पहले कॉल की थी ना, तो उसने कॉल नहीं उठाई, उस टाइम वो नहीं आया था जो अपने उधर ही चुबारे पे ना, तो बिजी हो गया या सोया हुआ होगा। फिर जब मैं सोया हुआ था उसकी कॉल आई कि मैं आ रहा हूँ अभी 15-20 मिनट बाद, तो मैं उठा जल्दी जल्दी। तो इसी वजह से ना मुझे आपको लग रहा होगा कि नींद में बैठा है, इसलिए नींद आई पड़ी है और कोई मसला नहीं। अब जाके थोड़ा फ्रेश होते हैं, फ्रेश होने के बाद फ्रेंड के पास जाते हैं,
इंशाल्लाह फिर वहां जाके आपसे बात करते हैं, ठीक है? आप वॉश करते रहें, इंशाल्लाह मिलेंगे वहां जाके। अच्छा, ये देखें व्यूअर्स कितनी धूप है, बहुत ज्यादा आज गर्मी है। ईद के दिन या जुमे के दिन या मुहर्रम में अक्सर तकरीबन गर्मी होती है, आप देख रहे होंगे बड़ी शदीद किस्म की गर्मी है। और ये कबूतर फिर रहे हैं भाई के, वो भी सोए हुए हैं, सब सोए पड़े हैं, मैं भी सोया हुआ था। बस अब चलते हैं यहाँ से। कमरे में आया हूँ थोड़ा फ्रेश होने, तो ये सेठ साहब सोए पड़े हैं मेरे बिस्तर पे। हम और लैपटॉप भी अभी आना है, लैपटॉप पे मैं थोड़ा वर्क कर रहा था। चलो ये भी बंद करते हैं, वो तो नवाब से सो रहे हैं मज़े से, इनकी मौजे हैं, ना कोई टेंशन, उठता भी नहीं है। तो बदतमीज, जितना मर्जी मार लो उठता नहीं है, उठता नहीं है, उठता नहीं है। कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? अच्छा फ्रेंड्स, तो अब हो चुकी है तकरीबन शाम का टाइम हो रहा है, अब मैं तकरीबन घंटा डेढ़ घंटा मैं सोया भी हूँ, सोया तो नहीं, लैपटॉप पे थोड़ा वर्किंग करता रहा, तो थोड़ी सी आँख लग भी गई, 10-15 मिनट सो भी गया। फिर उसके बाद मैंने फ्रेंड को कॉल की है, उसने कहा है कि वो आ रहा है 15-20 मिनट तक, क्योंकि सुबह का वो मुझे मिला नहीं है। तो अब मैं वहीं जाने की तैयारी कर रहा था, तो अब चलते हैं। बस मैं उठा हूँ, मेरा काम वर्किंग जो थी लैपटॉप पे, जो मैंने काम करना था वो मैंने कंप्लीट कर लिया, वो हो गया है। अब बस फ्रेश हो के वहाँ चलते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो रूटीन होगी, जो आगे की एक्टिविटीज़ होगी, आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि आप फैमिली मेम्बर्स हैं, आपको भी पता होना चाहिए ना कि आपके भाई की क्या रूटीन है, डेली लाइफ क्या रूटीन है। हर किसी की अपनी एक मसरूफियत होती है, तो आपको दिखाएंगे आगे आज क्या सीन बनता है, क्या प्रोग्राम बनता है। तो फिलहाल अभी आप देख रहे होंगे कि मुझसे अभी सही बोला नहीं जा रहा, क्यों? क्योंकि यकीन करें अभी आपको लग भी रहा होगा कि मैं इस टाइम फुल नींद में हूँ। अभी 2 मिनट पहले मैंने उठा हूँ, वो भी उसकी कॉल आई थी मेरे फ्रेंड की, क्योंकि मैंने उसे सुबह पहले कॉल की थी ना, तो उसने कॉल नहीं उठाई, उस टाइम वो नहीं आया था जो अपने उधर ही चुबारे पर ना, तो बिजी हो गया या सोया हुआ होगा। फिर जब मैं सोया हुआ था, उसकी कॉल आई कि मैं आ रहा हूँ अभी 15-20 मिनट में, तो मैं उठा जल्दी जल्दी। तो इसी वजह से ना मुझे आपको लग रहा होगा कि नींद में बैठा है, इसलिए नींद आई पड़ी है, और कोई मसला नहीं। अब जाके थोड़ा फ्रेश होते हैं, फ्रेश होने के बाद फ्रेंड के पास जाते हैं, इंशाल्लाह फिर वहाँ जाके आपसे बात करते हैं, ठीक है? आप वॉश करते रहें, इंशाल्लाह मिलेंगे वहाँ जाके। मस्त प्लानिंग। तो व्यूअर्स, अब मैं जा रहा हूँ उसी फ्रेंड के पास, लेकिन अब ये है, अब वेदर चेक करें, आपको मैं वेदर चेक करा दूं। पहले बहुत धूप थी, जब मैं आपको बता रहा था ना, पहले छत पे था उस वक्त धूप थी, लेकिन अब बादल आ चुके हैं थोड़ी। तो पहुंचे हैं व्यूअर्स अपने फ्रेंड के पास, अब देखते हैं क्या हालात है।